आज हमने बनाया है अंडे का कोरमा। लड़कियों की भी क्या जिंदगी है, इनके यहाँ पर चाय का तमाम, एक तरफ बर्तन धोने हैं और एक तरफ आटा गूंद कर रख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर्स। वेरी उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे और मजे से लाइफ को एंजॉय करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज है 7th रमज़ान की सहरी और आज जल्दी उठा के भी बढ़ गए हैं। तो तैयार तो पहले ही हम सब कुछ कर चुके थे, लेकिन होता है ना, जिस दिन सब कुछ तैयार होता है और उस दिन ही मतलब कि और ज़्यादा जल्दी आँख खुल ही जाती है, और जब कुछ नहीं होता तब वो जो है नहीं खुलती आँख। और ऐसा ही कुछ सीन हमारे साथ हुआ। तो खैर, लेकिन ना गैस नहीं होती है फिर मसला हो जाता है, उससे बेहतर है कि पहले से पहले बंदा उठ के भले 2:30 बजे ही उठ के सहरी कर ले। खैर, तो यहाँ पे अभी हम सहरी करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि कब तक हम वेट करते हैं अजान के लिए। रात को ही सालन बनाने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पर मैं सालन को बनाई कर रही थी और सिस्टर बना रही थी पराठे। तो हमने रात को ही आधे कच्चे पके पराठे करके रख दिए थे और सालन ये तैयार हो गया था जो हम सहरी में खाएंगे। आज हमने बनाया है अंडे का कोरमा और यही सहरी में खाएंगे। हाँ, जितनी जल्दी उड़ेगा। तो बस यहाँ पर हम सहरी भी करने लग गए और बच्चों की तरह सारी प्लेट पर ये सिस्टर्स ने लगाया हुआ है सालन को और बस यहाँ सहरी कर रहे हैं। कहाँ से आते हैं ये बर्तन धोना स्टार्ट हो गए हैं। 6 से 2 लो दोबारा चले। नहीं, मैं यही लूंगी। अच्छे से धोना, अगर अच्छे नहीं है ना, चमकते हुए नहीं है ना, तो तुमको चमका दूंगी मैं। हर चीज पैसों से नहीं होती है, लड़कियों का काम होता है। अच्छे से काम करूंगी। लड़कियों का काम होता है घर को चमका के रखना, समझ आई? पैसे मिलेंगे तो हम काम करेंगे। तुम काम वाली नहीं हो, तुम अपने तुम ऐसा समझो ना। नहीं, हम क्यों समझे, तुम काम वाली हो, तुम हमारी बहन हो, तो तुमको घर का काम करना बनता है भाई। पैसे की बात आ गई तो बहन हो। वाह। हाँ, तो लड़कियों का काम होता है भाई घर को चमका के रखना, अच्छे से चमकाना, अच्छा प्यारा प्यारा सा, ठीक है? तुम्हारी शिकल नजर आनी चाहिए उसके अंदर से। मैंने तो बस सोच लिया पैसे मिलेंगे तो करूंगी। और मैं बोल रही हूँ कि बिना पैसों के काम करवाऊंगी। चलो अच्छे से साफ कर लो। कर चुके हैं और बर्तन धोना स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ी सी टीचर जी है थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे सिस्टर के साथ, क्योंकि अब इतनी जल्दी उठ कर क्या करेंगे। तो अब जब इतनी जल्दी उठ ही गए हैं तो फिर अब एक दूसरे को थोड़ा छेड़छाड़ कर लेंगे घर से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है 7 सहरी और अब देखते हैं पूरा दिन कैसे गुजरता है, इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरे। और फिर अच्छे तरीके से हो चुकी है कंप्लीट हमारी, और अब अजान का वेट है कि कब अजान होगी और फिर कब हम रोज़ा बंद करेंगे, यानी कि पानी शानी पी गए। तो बस अभी जो जितने काम बाकी हैं वो कर लेते हैं। चलो मिलते हैं फिर अगले क्लिप्स या फिर दिन में। पूरा खुलू हुआ है तो सोच रही हूँ कि लैपटॉप में कुछ क्लिप्स वगैरह ऐड कर लूँ, ताकि मोबाइल में से आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, वरना फिर नहीं हो पाएगा। तो खैर से अभी जल्दी से काम कर लेते हैं। तो आज जल्दी उठ ही गए हैं तो फिर काम ही कर लिया जाए, क्या कर रहे हैं अब इतनी जल्दी उठा उठा कर बैठ गए हैं ये लोग। और हालांकि हमने सारा तैयारी जो है ना पहले ही तैयारी रात को कर ली और ऊपर से फिर इन्होंने जल्दी उठा दिया, कि हमने सोचा था कि आराम से उठ जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो बस यही चीज़ हमारे साथ हुई है। तो खैर अभी काम कर और फिर देखते हैं कि कितने बजे तक हम सोते हैं। स्किन केयर चल रहा है सबका, लाइट ना थोड़ी सी डाउन है क्योंकि चल नहीं रही है ना, और बस यहाँ स्किन केयर चल रहा है इन लोगों का और हमें कोई फुर्सत ही नहीं है, हमें फुर्सत ही नहीं है। Few moments later. वो वीडियो चल रही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
इफ्तार का टाइम करीब है और बस यहाँ पर अम्मी आज इफ्तारी के लिए सामान प्रिपेयर कर रही हैं। तो पापड़ फ्राई कर रही थी और पापड़ ही सिर्फ फ्राई किए थे और फिर इसके बाद चली गई थी गैस, तो फिर मजबूरन हमें सिलेंडर पे ही फिर आगे कंटिन्यू करना पड़ा। शुक्र के सिलेंडर मौजूद है तो परेशानी नहीं हुई। मेरी बहन साहिबा बना रही हैं, जल्दी जल्दी बनाओ बच्चों, इफ्तारी का टाइम हो रहा है। तेल गर्म हो गया है, इसको आंच हल्की करो। गर्मी भी है, वो करूं डाल दे तो ये ठंडा हो जाएगा, पक जाएगा। बस जल्दी जल्दी डालना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। आधी इफ्तारी अम्मी ने तैयार की और आधी बहन तैयार कर रही थी। खान की तैयारी कर ली है मैंने, यहाँ देख सकते हैं। तो बस अब जो है सामान सारा लगाएंगे इसके ऊपर और इस तरीके से ही मतलब पहले से हम लोग लगा लेते हैं ताकि एंड मोमेंट में भागना ना पड़े। तो बस अभी सारी चीज़ें जो भी लगानी हैं और जो भी चीज़ें खानी हैं वो सारी यहाँ पर लगेंगी। जैसे हमारे घर में गेमें गेमिंग चल रही होती है और ये सारी पीछे से जो आवाज़ आ रही है ना, आप सुन सकते हैं ये कितना बोलते हैं ना। तो पर अभी आज हो जाएगा इंशाल्लाह साथ में रोजी इफ्तारी, सॉरी इफ्तारी और सात रोजे कम्प्लीट हो जाएंगे, तीन बजे जाएंगे और एक कश्मीर कम्प्लीट हो जाएगा। और देखते ही देखते बस यूँ ही दिन गुजर गए हैं, यूँ ही दिन तमाम हो गए और पता भी नहीं चला कि कैसे ये सात दिन निकल गए। और एक हफ्ता पहले मतलब कि आज के दिन ही बुध वाले दिन चांद रात थी, वो भी सडनली चांद रात हो गई थी। और सडनली चांद रात चांद रात ना होती तो फिर आज के दिन सात रोजे नहीं हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं जो अल्लाह की बेहतरी जिसमें भी। और बस यहाँ पर अब हम बैठ जाएंगे तो सामान सारा लगा दिया है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और बस अभी चीज़ें रखनी बाकी रह गई है जो भी हमें खाना है, बाकी ऑल इफ्तारी की तमाम चीज़ें तैयार हो गई हैं और बस यहाँ पर इफ्तारी के लिए हमने सारा सामान लगा दिया है। जैसे कि बर्तन तो पहले ही लगा दिए थे और फिर सामान जो खाना था वो सब खाया है अभी। और बस यहाँ पर अब इफ्तारी के लिए दुआ कर रहे हैं। तो अगर दुआ नहीं भी आ रही है तो किसी भी मौलाना साहब की आप दुआ लगा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी की भी दुआ लगा लें जो उस वक्त मैसर हो आपको, तो आप विकत तारीख कर सके और फिर आप जो मांग सके। तो बहुत सारी दुआएं जो होती है ना हम खुद से भूल भी जाते हैं, तो जब किसी की दुआ लगा लेते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों के लिए आमीन भी मतलब शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर बस दुआ लगा चुके थे और दुआओं के आदाब में बैठे हुए हैं, सब वेट कर रहे हैं अजान का। तो पहले मगरिब लोगों का वेट किया करती थी और अब लोग मगरिब का वेट किया करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अब ऐसा ही होता है, रमज़ान के दिन में बहुत ज़्यादा वेट किया जाता है मगरिब की अजान का। और बस अब ये रोज़ा इफ्तार करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि लोग सिर्फ रमज़ान में ही इबादतें करते हैं, रमज़ान के बाद भी करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितनी शिद्दत से इंतज़ार मगरिब का रमज़ानों में होता है ना, इतनी शिद्दत कभी मतलब के इतना उससे नहीं करते हैं। और बचपन में तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये वक्त कितना कीमती होता है। और सहरी और इफ्तार दोनों में ही दुआएं मांगने की दिन होते हैं और कबूलियत की घड़ियां होती है ये, लेकिन बस उस टाइम पे ये सोचता है कि ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, वो खा लेंगे, ये खा लेंगे, और बस इफ्तारी से पहले ही इफ्तार करके बैठ जाते हैं। तो ये होते हैं बचपन के डेज, तो जिनमें थोड़ा बहुत यही ना समझी की एज होती है तो उसमें यही हरकतें होती हैं, आई नो कि सभी करते हैं। तो बस यहाँ पर अब हम इफ्तार कर लेंगे और इफ्तारी के बाद लड़कियों की भी क्या ज़िंदगी है कि यहाँ पर चाय का तमाम, एक तरफ बर्तन धोने हैं और एक तरफ आटा गूंद कर रख रहे हैं ताकि सहरी आराम से हो सके। गूंद रही हैं, अच्छा सा आटा गूंदती हैं, ये बहुत अच्छा आटा गूंदती है, ये बात कर रही हैं। बोलो कुछ नहीं बोलो यार, तो ये एक आटा गूंद रही है, एक यहाँ पर बर्तन धो रही है, बड़े अच्छे से बर्तन धोती है, वाकई में ये बहुत अच्छे बर्तन धोती है, अच्छा काम करते हैं वैसे मेरी गाइडेंस में।
चाय का एहतमाम करा है, ये जो चाय निकाली थी ये चाय अच्छी बनाती है तो सब अच्छा काम करते हैं। पता नहीं मैं कैसा करती हूँ, मेरा तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है यार। सामान लेकर आए हैं, खजूर है और ये यहाँ पर शरबत की बोतल है, तो बस ये सामान भी रख देंगे, उठाकर फिर इसे यूज़ करेंगे रमज़ान में। इनसे मैं याद कर रही थी और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बू लेकर आ गए हैं ये, जिसे हमने बहुत मिस किया। अबे भाई निकल जा, निकल ही नहीं था, वो भी बाहर नहीं आ रहा कि मैं नहीं दिखूँगा, तो इसे मैं बहुत दिनों से याद कर रही थी। फाइनली आ चुकी है ये हमारी फैनी। कौन कौन फैनी को ज़्यादा पसंद करता है? हमारे यहाँ तो वैसे खा लेते हैं दही पराठे के साथ, बाद में ये फैनी भी चलती है और थोड़ी सी खा लेते हैं कि अच्छी लगती है। और आप लोगों में से कौन फैनी खाना पसंद करता है? तो हम तो खाते हैं भाई, दूध के अंदर मिलाकर खाते हैं ना, तो ये बहुत बड़े मज़े की लगती है। ये हमारी आज की विश, और आज की विश में डाल रही हूँ, बॉक्स मैंने था शायद उल्टा ही रखा हुआ है, तो यहाँ पर इस पर डाल देते हैं। जाओ तुम भी, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। और ये गई हमारी 7th रमजान की से विश, तुम बंद रहो, होप सो इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी होंगी इंशाल्लाह। हमने मंगवाया है बाहर से पुलाव, आ चुका है पुलाव, और आज कुछ मूड नहीं था और चावल भी खाने थे तो इसलिए भाई लेकर आए हैं बाहर से ही, और ये सलाद भी उसी में कटा हुआ है। आंटी की तरफ से आई है यहाँ पर चावल, और ये भी हमने निकाले हैं तो बस खा लेते हैं। चलो भाई जल्दी से निकालो ना, बस हमारी आवाम इतनी जल्दी शुरू हो जाती है। खाओ खाओ बच्चों, खाओ 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 ना, नहीं खा रहे। यहाँ पर बस शुरू हो गई है, लोग बस शुरू हो जाते हैं, बस थोड़ी सी देर, किसी का वेट नहीं होता इन लोगों से भाई। भाई साहब ऐसे आप लोगों का भी होता है या सिर्फ हमारे ही हो जाए? या मैं भी खा लेती हूँ वरना नहीं तो मैं पीछे रह जाऊँगी। क्यों भाई पुलाव बहुत स्पाइसी है। हम लोग बस यहाँ पर खाना खा रहे हैं बहन भाई मिलकर, और अम्मी अब्बू नहीं है क्योंकि अम्मी अब्बू गए हुए हैं मामू की तबीयत पूछने, तो आप सब दुआओं में याद रखिएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। अब फाइनली 7th रमजान की इफ्तारी हो चुकी है, बार बार शेरी 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 मुँह पे आती है, तो इफ्तारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और 7 रोजे कम्प्लीट हो गए इंशाल्लाह। 8वीं शेरी की तैयारी अभी स्टार्ट हो गई है अभी से, तो बस यू ही रोजे तमाम हो रहे हैं और अपनी एक अशरा कंप्लीट होने को है, और बस यहाँ पर काम सारे लड़कियों के स्टार्ट होते हैं। लड़कियों को तो कोई मतलब सुकून ही नहीं है ना, कि दिन में भी तैयारियों में बेचारी लगी पड़ी होती है और शाम में भी फिर बेचारियाँ लग जाती हैं, उनको कभी सुकून नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं मिलने वाला, और फिर भी एंड में ताना मिलेगा, करती क्या हो। तो खैर जगह ना, नहीं ऐसी बात नहीं है कि अप्रिसिएशन भी बहुत होती है। खैर से तो बस यही था आज का हमारा रूटीन व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।